कोटा बूंदी लोकसभा सीट से जीते बीजेपी के ओम बिरला। कांग्रेस के रामनारायण मीना को 2,79,000 वोटों से हराया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस, लोगों ने दी जीत की बधाई। कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला ने अपनी सीट को बरकरार रखते हुए कांग्रेस के रामनारायण मीना को 2,79,000 वोटों से हरा दिया। पहले राउंड से शुरू हुई बढ़त लगातार बढ़ती ही चली गई। मतगणना स्थल पर विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, मदन दिलावर, पूर्व विधायक हीरालाल नगर, महापौर महेश विजय, बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत विजय भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के नेता मतगणना स्थल से नदारद नजर आए। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने ओम बिरला जिंदाबाद के नारे लगाए और ओम बिरला को कंधों पर उठा लिया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। ओम बिरला अपने समर्थकों के साथ जेडीबी गर्ल्स कॉलेज से विजय जुलूस के रूप में अपने आवास के लिए रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह ओम बिरला का लोगों ने भव्य स्वागत किया। ओम बिरला के विजय जुलूस को उनके घर तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि विकास की दृष्टि से देश आगे बढ़े, यही उनका प्रयास होगा। उन्होंने कोटा की जनता का आभार जताया, साथ ही उनके प्यार, विश्वास और मेहनत के दम पर ये जीत हासिल करने की बात करते हुए उन्होंने सभी के प्रति ऋणी होने की बात कही। साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी उन्होंने सराहा और इसके लिए सभी का आभार जताया। और विकास की दृष्टि से देश आगे बढ़े और इसमें देश की जनता ने नए कोटा की जनता का प्यास, विश्वास और आशीर्वाद दिया। कोटा की जनता का भी और सब हजारों कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने तपती धूप के अंदर गांव धानी लेके शहर में मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी लगाई, सब कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, कोटा की जनता को नमन करता हूँ। CEN न्यूज के लिए कोटा से स्वप्निल खंडेलवाल के साथ राज पांडे की रिपोर्ट।